श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत्कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है और चैत्र पूर्णिमा पर बहुत ही दुर्लभ योग बना हुआ है। इस दिन हनुमान जयंती है और श्रीहरि भगवान का दिन है, हर्ष योग बना हुआ है। इस योग में अगर आप गौ माता को एक वस्तु खिला दें तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, गौ माता में देखिए 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है और गौ माता की सेवा करने से, गौ माता को चारा खिलाने से आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। अगर हमारी कुंडली में पितर दोष बन रहा होता है या ग्रह दोष होता है तो वो भी दूर होता है। दोस्तों, इस दिन पूर्णिमा के दिन स्नान के पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालकर अवश्य स्नान करना चाहिए। इससे आपको तीर्थों में स्नान करने का ही फल प्राप्त होता है और सबसे पहले स्नान करने के बाद आपको सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। इससे हमारा सूर्य मजबूत होता है, हमारे जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं और हर कार्य में हमें सफलता मिलती है। दोस्तों, इस दिन श्रीहरि भगवान का पूजन अवश्य करें और हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। खीर अवश्य बनानी चाहिए और श्रीहरि भगवान को तुलसी डालकर अवश्य भोग लगाना चाहिए। उनके आगे धूप दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए और इस दिन आपको देखिए हनुमान जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए और हनुमान जी को भी आपको केले और गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन देखिए आपको गौ माता को 2 पूड़ी में थोड़ा सा खीर रखकर और थोड़ा सा गुड़ रखकर अवश्य अपनी मनोकामना बोलकर लाल रंग की, अगर आपको गौ माता मिल जाए तो लाल रंग की गौ माता को अवश्य खिला दें। यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही परेशानियाँ दूर होती हैं और आपकी जो इच्छा है वो शीघ्र पूरी होगी। गौ माता को खिलाते समय आप गौ माता की 4 परिक्रमा अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए परिक्रमा लगानी चाहिए और अपना हाथ गौ माता की पीठ पर अवश्य फेरना चाहिए। इससे आपके जो दुर्भाग्य होता है वो दूर हो जाता है, आपका भाग्य चमकता है, आपके भाग्य की जो रेखाएं हैं वो बदल जाती हैं। इस तरह से अगर आप गौ माता की सेवा करें, गौ माता को पूर्णिमा के दिन ये वस्तु खिलाते हैं तो आपकी सभी प्रकार की बाधाएँ दूर होती हैं और आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, चैत्र और बहुत ही दुर्लभ योग बना हुआ है। इस दिन ग्रहों का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ शुभ संयोग बना रहा है। इन 8 भाग्यशाली राशियों के लिए इस दिन हर्ष योग बना हुआ है, साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। इनके हर कार्य में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इन 8 भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 8 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन गौ सेवा अवश्य करें, निश्चित ही आपको संतान की पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।